भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान, देश का सबसे बड़ा राज्य जिसमें औसतन 590 मिलीमीटर वर्षा होती है। अलवर जिले में मात्र 350 से 500 मिलीमीटर वर्षा हो पाती है। वर्षा जल को सहेजने और एक एक बूंद को भूमि में समाहित करने की परिकल्पना अब साकार रूप ले रही है। जल ग्रहण विकास परियोजना IWMP जीवनदायिनी के रूप में उभर कर सामने आई है। हमारे गांव के अंदर पहले बारिश का पानी बहकर दूसरे गांव में चले जाता था। वाटर शेड के द्वारा संकल पॉइंट जोहड़ मेड़बंदी बनाई गई, जिससे हमको बहुत फायदा हुआ। बारिश का पानी यहीं एकत्रित हो जाता है, बहकर दूसरे गांव में नहीं जाता है, जिससे हमारे कुओं का जल स्तर, बोरों का जल स्तर ऊँचा आ गया और मवासियों को, भैंस बकरी पशु पक्षियों को पानी पीने की सुविधा यहीं हो गई। अब दूर नहीं जाना पड़ता है। वर्षा जल जो बहकर चला जाता था, उसे रोकने हेतु खेतों में मेड़बंदी कार्य फार्म पॉन्ड का निर्माण किया गया है। फार्म पॉन्ड तो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है और रबी की फसल, जिसमें ज्यादातर काश्तकार सरसों की फसल ले पा रहे हैं। शंकन पॉन्ड व जोहड़ निर्माण से भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ा है। पहले ये हमारे नलों का पानी नहीं बहकर चले जाता था, अब जो जब से जल स्रोत योजना के तहत ये एनीकट बने हैं, जगह जगह एनीकट बने हैं, इनसे हमारे कुओं का लेवल ऊंचा ठंडा है और करीब करीब हमारा कुआ 40 फुट खाली है। कुओं का जल स्तर 20 से 25 फीट बढ़ा है। भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया गया है। वर्षा जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसे समेटने व सहेज कर उपयोग करना ही जल की आत्मनिर्भरता है। पानी से भरे लबालब जोहड़, शंकन पॉन्ड, हवा के झोंकों से हिलोरे मारती पानी की आवाज, मवेशियों का पानी में तैर तैर कर खेलना, अटखेलियां करना, मन को अपनी ओर खींच लेती है। हमारे ग्राम धोराड़ा में जल ग्रहण समिति द्वारा ये फार्म पॉन्ड खोदे गए हैं। इससे हमारे करीबन 10 बीघा जमीन में सरसों पैदा होती है। पहले हमें सरसों देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जल ग्रहण समिति द्वारा ये फार्म पॉन्ड से हमको सरसों देखने को मिल रही है, जिससे कि हमको ये सरसों तो होती है, लेकिन जल ग्रहण से हमें ये जल स्तर भी ऊँचा उठा है। परियोजना का उद्देश्य जल संग्रहण ढांचे का निर्माण व गांव को जल आत्मनिर्भर बनाना है। आज गांव में बने फॉर्म, पॉन्ड, जोहड़ व तालाब गांव वालों की लाइफलाइन बन गए हैं। आज सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। चारों तरफ मनमोहक हरियाली है, सबको पानी का महत्व समझ में आ गया है। जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं, इसे बचाएं। अलवर जिला मुख्यालय से 58 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में गांव परबेणी में बंजर पड़ी 5 हेक्टेयर भूमि पर IWMP परियोजना अंतर्गत 2000 पौधे लगाए गए, जिसमें छायादार के साथ साथ फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। प्लांटेशन की सुरक्षा हेतु तार फेंसिंग का कार्य भी किया गया है। हमारे यहाँ पे 20 बीघा जमीन बंजर पड़ी हुई थी, यहाँ पे 2000 पेड़ लगाए हैं। यहाँ पे 2000 पेड़ में फड़फड़ूटों के, छाया के, नींबू, अमरूद, अनार वगैरह पेड़ लगाए, इसमें से हमको बहुत बड़ा अच्छा फील हो रहा है।
वैसे तो प्लांटेशन तैयार करना व बड़ा करना उतना ही जिम्मेदारी का काम है जितना कि बच्चों को बड़ा करना। परबेणी के इस प्लांटेशन में शीशम, नीम, पापड़, करंज, वट वृक्ष, बबूल, बेर, आंवला, नींबू, संतरा, अनार इत्यादि पौधे लगाए गए हैं। जलग्रहण परियोजना के उद्देश्यों के तहत जल, जंगल, जमीन, जनमानस और जानवर के लिए कार्य किया। इन कार्यों में फार्म पौंड, संकन पौंड, रिचार्ज साफ्ट, मेडबंदी आदि कार्य किए और इसके साथ साथ ही हमने चरागाह विकास का एक 5 एकड़ का जमीन ली, जिसमें जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी उसको बंजर विकास को उस भूमि को हमने विकास के करने का लिए निर्णय किया। उस निर्णय के तहत हमने 5 एकड़ भूमि में छायादार और फलदार पौधे लगाए और भविष्य में यह परियोजना जब तक चल रही है तब तक हम इसको परियोजना के माध्यम से ही संचालित करेंगे और इसमें देखरेख करेंगे। उसके बाद में इस परियोजना को हम ग्राम पंचायत को स्थानांतरित करेंगे और ग्राम पंचायत को स्थानांतरित करने के साथ साथ ही जब इसका स्थानांतरण की स्थिति आएगी उस समय इसमें उत्पादन होना शुरू हो जाएगा और जो उत्पादन होगा उस उत्पादन से ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ेगी। यदि सभी जो क्षेत्रों में इस तरह का कार्य किया जाए तो ग्राम पंचायतों की निजी आय भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो है पर्यावरण में भी सुधार होगा, ऐसी हमारी कामना है। IWMP परियोजना जल, जंगल, जमीन को बचाए रखने व इन संसाधनों को सहेजने, संवर्धन व भूजल स्तर को बनाए रखने में कारगर साबित हुई है। जल ही जीवन है।